हाय गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज से मैं 3 से 4 अपलोड जो इस चैनल पे करूंगा वो उन मसल बिल्डिंग फूड्स के बारे में होंगे जिनसे आपका मसल और आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, वो भी हेल्दी वे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक रेड कलर का बटन होगा जिसपे लिखा हुआ सब्सक्राइब, अब वहां पर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला जो मसल बिल्डिंग फूड है वो है बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो चारों सीजन अवेलेबल रहता है, चाहे वो समर हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, ऑटम हो या विंटर हो। बनाना को हम पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ के साथ बनाना बहुत इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट है। अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आपको सुबह उठते ही के साथ ही काम पे जाना पड़ता है या इतना डिफिकल्ट रूटीन है आपका कि आपको अपना ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो बनाना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बनाना के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पैक्ड हैं जिनसे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके अंदर सबसे पहला न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम से हमारा ब्लड प्रेशर राइज नहीं होता इंस्टेंट, और वो नॉर्मल रेट पे रहता है। और पोटेशियम होने से हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, लाइक लैक्टोज जो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप होता है, वो भी पोटेशियम होने के कारण वो हट जाता है। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट बनाना के अंदर है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 होने से हमारी बॉडी को ये फायदा होता है कि आपको पता है कि जैसे हम वर्क करते हैं धीरे धीरे हमारी एनर्जी डल होती रहती है, बट अगर धीरे धीरे आप बनाना कंज्यूम करोगे अपनी डाइट में कुछ इंटरवल्स में, तो आपका ब्रेन फैटिग नहीं होगा, उसे थकान महसूस नहीं होगी। अगर आप कॉफी या कुछ कैफीन कंटेन करते हो अपनी एनर्जी लेने के लिए, तो आप उसकी जगह बनाना कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपको एक रेगुलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो कि कैफीन की तरह नहीं होगा कि आपको उस टाइम तो वो एनर्जी देगी बट 1 or 2 hours के बाद आप बिल्कुल डल महसूस करोगे। उसके बाद इसका बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा यूज ये भी विटामिन B6 होने का कि ये एक मेटाबॉलिक एनहेंसर है, इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। अगर आपका स्लो मेटाबॉलिक रेट है जिससे आपका फैट शेड नहीं होता, तो अगर आप बनाना कंज्यूम करोगे अपनी डाइट के अंदर तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी एनहेंस होगा। और लास्ट थिंग जो बनाना के अंदर होती है वो है इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स, जो कि लो होता है। लो होने का बहुत अच्छा फायदा है गाइस, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर राइज नहीं होगा, वो एक नॉर्मल रेट पे रहेगा, जिससे हमारा इंसुलिन भी नहीं स्पाइक हो पाएगा। साथ के साथ इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट अगर आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या कोई सी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे आपके गट को इफेक्ट होता है, तो बनाना उसके लिए भी काफी अच्छा फ्रूट है। ये हमारे गट को सपोर्ट करता है इन सब न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करके। उसके बाद मैं आपसे कुछ फैक्ट और फिक्शन शेयर करूंगा इस फ्रूट के बारे में। सबसे पहला मिथ जो बनाना के लिए आता है कि ये हाई होता है शुगर के अंदर। गाइस, इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज। आपको शुगर के लिए एक बात जाननी पड़ेगी कि आपको ये नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करना है, ना कि आपको सिंथेटिक फॉर्म में कंज्यूम करना है, लाइक जो आप चीनी कंज्यूम करते हो। अगर आप फ्रूट से शुगर कंज्यूम करोगे वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी इक्विप्ड है फ्रूट से शुगर कंज्यूम करने में। दूसरा मिथ आता है कि अवॉइड इट इफ यू आर डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हो तो इसको अवॉइड करो। बट गाइस, बनाना का लो ग्लिसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इसको रिकमेंड करा है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज होती है। तो जिनको डायबिटिक है उनको बनाना से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनको बनाना अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। अब लास्ट में ये आता है कि वो लोग इसको अवॉइड करते हैं जो कहते हैं कि हमें वेट लूज करना है। बट गाइस, ये वेट लूज में भी काफी हेल्पफुल फ्रूट है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल फाइबर, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। वेट लॉस में आपको कम से कम वो सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जरूर कंज्यूम करने हैं जो कि आपको वो हेल्प करें वेट लॉस के अंदर। तो अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो बनाना आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दूसरे फ्रूट के बारे में कुछ डिटेल शेयर करूंगा जिससे आपका मसल बिल्ड और वेट गेन भी आराम से हो पाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।